दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे देवरिया वाले तिवारी जी की। तिवारी जी से मेरा आशय है, भारतीय जनता पार्टी के देवरिया से जो विधायक हैं सुरेश तिवारी। सुरेश तिवारी जी ने जब अपने लोगों के बीच, उनके कुछ समर्थक थे, उनके बीच जब कहा कि आप लोग मुसलमान जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनके ठेले से, इनके दुकान से आप सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह ना खरीदें, तो ये बात जब छपी अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पर भी एक आध जगह आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई क्या हुई? कारण बताओ नोटिस जारी हुई। कारण बताओ नोटिस जो है वो नड्डा जी, जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीजेपी को कहा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो कार्रवाई के नाम पर एक नोटिस गया है जो 7 दिन का उनको जवाब देने का मौका दिया गया है। अब मैं थोड़ी बहुत ही संक्षेप में तिवारी जी के बारे में बता दूं। तिवारी जी को कई पार्टियों का अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में वो अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये कोशिश की है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं तो इसमें पकड़ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के लिए, मंत्री के लिए कई ऐसे लोग हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि तमाम तरह की ऐसी भाषा बोली जाए, ऐसे विभाजनकारी मुहावरे अपनाए जाएं, ये कोई नई बात नहीं है। और न तो ये नई बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स उस पर दिखाने के लिए नाराजगी जाहिर करें और फिर सब कुछ ठीक हो जाए। और दिखाने के लिए भी नाराजगी तब होती है जब मीडिया में या नेशनल इंटरनेशनल सर्कल्स में इस पर कुछ न कुछ विवाद खड़ा हो जाता है या कुछ आपत्तियां जताई जाने लगती हैं। दोस्तों तिवारी जी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। और आपको याद दिला दूं, तिवारी जी कोई पहली घटना नहीं है इस तरह की बात करने वाले। आप देखिए, अनंत हेगड़े साहब का नाम सुना होगा, कर्नाटक के ये बड़े ही शूरवीर सांसद, और वो तो मंत्री भी रहे। उन्होंने बार बार कहा कि हम लोग सत्ता में आए हैं संविधान पलटने के लिए, संविधान को बदलने के लिए। और भी उन्होंने न जाने कितनी कितनी बातें कही, उन पर क्या कार्रवाई हुई। वो माननीय सांसद हैं, माननीय सांसद हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल की, अब तो वो निर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने वहां क्या कहा भोपाल में एक दफा, और फिर उन्होंने संसद में एक बार क्या कह दिया। नाथूराम गोडसे को उन्होंने हमेशा एक महान देशभक्त माना, और गांधी जी के बारे में क्या कहा और क्या माना ये तो वही जानती हैं। उन पर भी नोटिस एक बार जारी हुआ था, फिर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। और मैं बता दूं नोटिस, कैलाश विजय वर्गीय और उनके सुपुत्र आकाश विजय वर्गीय, एक पार्टी का बहुत ही ताकतवर जनरल सेक्रेटरी और एक विधायक, कैलाश जी तो कई बार बोली में आग उगलते हैं, लेकिन उन्होंने तो बैट चला दिया और उस पर चलाया इंदौर के एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर पर। लेकिन विजय वर्गीय जी ने क्या कहा, विजय वर्गीय जी ने कहा कि लड़कपन है, अभी बचपना है, दोनों को कहा कि ये जो अफसर है वो भी नया है, मेरा बेटा भी नया MLA है, तो ये चल जाता है थोड़ा बहुत, जब सीखेंगे अनुभव आएगा सब, ऐसा नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं। आपने राज्यपालों को देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता थे, अब निर्वाचित हैं, अरे राज्यपाल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट में, तथागत राय, उन्होंने कब कितनी बार क्या क्या कहीं, कोई कार्रवाई। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के बीजेपी के टॉप लीडर, उन्होंने क्या कहा, कब क्या कितनी बातें उन्होंने कही, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले किस तरह की उन्होंने स्पीचेस दी, वो माननीय सांसद हैं। इसके अलावा भी मैं अनेक लोगों का नाम बता सकता हूं, और ये पुराने नाम नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नए, जयंत सिन्हा, उन्होंने तो जो मॉब लिंचर्स थे, जो इन्होंने मॉब लिंचिंग की हजारीबाग के रामगढ़ इलाके में, और जो जमानत पर आए थे कुछ दिन के लिए, बाकायदा उनको माला पहनाई, लड्डू खिलाया, और अन्य जो कई सांसद थे उन्होंने कहा कि इनके लिए हम मुकदमा, इनको जीवन भर लड़ेंगे जब तक इनको लड़ना होगा। क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई, सभी सांसद हैं। और देखिए आप, इसके पहले अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, साध्वी निरंजना, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, अनेक नाम दे सकता हूं मैं, दयाशंकर सिंह, जरूर उन पर कार्रवाई हुई। दयाशंकर सिंह को आप भूल गए होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के उपाध्यक्ष थे, इन्होंने मायावती जी को
अपशब्दों से नवाजा और बहुत सारी गालियां दी थी, भद्दी भद्दी बातें कही थी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार डिफेंस में आ गई, उनको लगा कि अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये हेट स्पीच दूसरे ढंग की है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको कार्रवाई की सहक किया, लेकिन बीजेपी कार्रवाई भी करती है अपने दुलरुआ लोगों पर तो ऐसे ही करती है। जैसे ही कार्रवाई, कुछ ही दिन बाद चुनाव आ गया, तो चुनाव में उनकी धर्मपत्नी को उन्होंने विधायक बना दिया, जिता दिया। और जब जनता ने जिता दिया बीजेपी के टिकट पर, तो उनको मंत्री बना दिया बीजेपी ने, अभी वो माननीय मंत्री हैं। तो दयाशंकर सिंह पर कार्रवाई ऐसे हुई। तो भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये कहने का मतलब है कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये जितनी चीजें होती हैं ये चीजें नियोजित होती हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इनके बगैर पार्टी में नेता नहीं बना जा सकता। हमको याद है कि कुछ दिन, बहुत आई थिंक पुरानी तो नहीं बात है, लेकिन 2014-15 की बात है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से मैंने टेलीविजन चैनल पर, जब कार्यक्रम खत्म हो गया, उन दिनों मैं टेलीविजन चैनलों पर जाया करता था, तो मैंने पूछा कि अचानक आपके सुर बदल गए हैं, आप काफी उग्र हो गए हैं, आप तो बड़े संतुलित भाषा पहले बोला करते थे, आप आमतौर पे बीजेपी आरएसएस की लाइन लेते थे तो भी आपकी भाषा में उग्रता नहीं रहती थी, अग्नि वर्षा नहीं होती थी, ये अग्नि वर्षा कहां से होने लगी? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें कही, इसलिए मैं उनका नाम आज नहीं ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप समझते नहीं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, हम आप लोगों की तरफ फ्री नहीं है, हम पार्टी में बंधे हुए हैं, अगर हम उग्रता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, अग्निवर्षी नहीं होंगे, आप लोगों के तर्कों को हम जम के नहीं काटेंगे, और अगर जम के नहीं भी काट पा रहे हों तो कम से कम उसको अपनी अग्निवर्षी भाषण से ही कुछ ना कुछ उसको निपटाएंगे, तो हमारी पार्टी हमें नीचे कर देगी, डिमोट कर देगी, और उन लोगों को मौका मिल जाएगा जो यही सब करते हैं, भले उनके पास कंटेंट ना हो। तो उन्होंने जो बात कही वाकई वो सही निकली, क्योंकि अनेक ऐसे लोगों को बाद में बड़े ओहदे मिले जो उग्रता ज्यादा दिखाते हैं टेलीविजन पर, और वो जो संतुलित रहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए या वो स्थगित रह गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। अब देखिए, इस बार तिवारी जी ने जो किया है उनको नोटिस चला गया, लेकिन दोस्तों एक बात आप जानकर रहिए, आप बिल्कुल मानकर रहिए कि इस पे कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा है, या ऐसा फिर कभी नहीं होगा, ये सब होता रहता है और बीजेपी इसको अपने ढंग से डील करती रहती है। अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अच्छी बात कही, मैं प्रशंसा करता हूं, उन्होंने कहा कि कोरोना से हमें निपटना है तो हमें सौहार्द बनाकर निपटना होगा। उन्होंने कहा हम में एकजुटता होनी चाहिए। तबलीगी जमात के समय आपको याद होगा बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा कि इस समय यूनिटी बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया यूनाइट होकर लड़ रही है। लेकिन उसी दरमियान क्या हो रहा था, उसी दरमियान हो रहा था कि जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये लोग जब बैठकर ब्रीफिंग करते थे और करते हैं, तो उस वक्त ही जिस वक्त ये कहा गया, तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की मौत के बारे में संक्रमित होने के आंकड़े अलग पेश किए जाते थे और अन्य के अलग किए जाते थे। कमाल की बात, कैटेगरी बांट दी गई जमात की और अन्य की। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रोगियों के बीच में वार्डों का विभाजन भी कम्युनिटी वाइज हो गया। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में यह सब बहुत पुरानी बात है। अब जरूर इस बार अगर आप देखें तो जो कुछ हो रहा है, मैं सुरेश तिवारी जी के प्रकरण को फिर उसका समापन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ये उग्रता का प्रदर्शन, ये हेट स्पीचेस एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है और ये उनके राजनीतिक कंटेंट से जुड़ा हुआ है। जब कभी विवाद बढ़ते हैं तो उसको थोड़ा बहुत उस पर ऐसा लगता है कि पानी का फौहारा छोड़ दिया जाए ताकि लोगों को लगे कि हाँ जी हम समायोजित करने भी जानते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.